हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू प्रीति एंड ब्लॉग्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ ब्लाउज का बैक पार्ट का डिज़ाइन शेयर किया था, आज उसी का फ्रंट पार्ट शेयर करूंगी जो है प्रिंसेस कट फ्रंट ओपनिंग। तो सबसे पहले मैंने ये हाफ इंच बॉटम के साइड से, वेस्ट के साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इन साइड से जहाँ हम बटन्स लगाते हैं, हुक लगाते हैं, उस साइड से मैंने ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये दोनों मार्जिन्स को छोड़ करके मैंने बैक पार्ट जो कट किया था उसको इसके ऊपर में रख करके ट्रेस कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिया है 8.5 इंच का वेस्ट का और 2 इंच मार्जिन के लिए। चेस्ट में हम लेंगे 9.5 इंच और 2 इंच उसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये हमने बैक पार्ट का ट्रेस किया था, इसीलिए यहाँ से हम हाफ इंच जो है वो डाउन करके आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर से गले का चौड़ाई मैंने लिया है 3 इंच, जैसा कि हमारा बैक पार्ट में था सेम उसी में ही लिया है मैंने। और यहाँ पर लंबाई ली है मैंने 6.5 इंच और इसका बॉक्स बना करके एक शेप दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर्म होल के साइड से यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बॉटम के साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब दोनों लाइंस को सीधी लाइन करके ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा 12.5 इंच पे मैंने लिया है और यहाँ पर 3.2 इंच पे एक निशान लगाया है और बॉटम में जहाँ वेस्ट लाइन है वहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको भी एक बॉक्स का शेप दे देंगे और यहाँ से गोलाई देते हुए आर्म होल के साइड पे ले जाएंगे और ये गोलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से शेप दें, इसी से हमारा ब्लाउज में जो पफ आएगा उसी से आएगा। और यहाँ पर जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से 1.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद गोलाई देने के बाद इस तरह से एस शेप बना देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था वो यहाँ से कट हो जाएगा और नीचे से जहाँ से एस का बनाया है हमने वहाँ से मार्जिन के साइड तक 1/2 इंच डाउन करके आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक सीधी लकीर दे दी है और इसको कट कर लिया है। यहाँ पर मार्जिन का लाइन दे दे रही हूँ ताकि मिस्टेक ना हो काटने में। आप जो बीच का ये एस वाला पोर्शन है वो आप काट करके निकाल देंगे हम, ये साइड का पोर्शन है और ये मिड का पोर्शन है और जो बीच में ये छोटा सा पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे और जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ किया था 1/2 इंच डाउन करके उसको भी काट लेंगे। ये मैंने मार्जिन का कट लगा दिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर में रख करके अच्छे से पिन अप कर दिया है ताकि फैब्रिक जो है वो सरके ना। अब इसको भी कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर में रख करके अस्तर के कपड़े को। और आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है बैक पार्ट का वो आप जा करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर में आई बटन में भी लगा दूंगी। आपने पहले जो वीडियो के स्टार्टिंग में मेजरमेंट किया हुआ देखा उसी का ही मैंने डाल दिया था मेजरमेंट, उसी को कट कर जब किया था उसी को ड्रॉ करके रख लिया था फ्रंट पार्ट बनाने के लिए ताकि मेजरमेंट में गड़बड़ ना हो इसलिए। और इस तरह से हम फैब्रिक कट करने के बाद साइड में स्टिचिंग लगा देंगे अच्छे से। आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लें जो मैंने बैक नेक का डिज़ाइन शेयर किया था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका मैंने शोल्डर जो है वो 5.5 इंच का रखा था जिसमें से मैंने 3 इंच जो है वो गले के लिए लिया और बाकी 2.5 इंच रेस्ट जो हमारी सिलाई लगेगी ऊपर में कंधे की उसके लिए रखा था। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे अच्छे से और ये मैंने कट कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों जो पार्ट है उसके सेंटर में मैंने पाइपिंग को अटैच किया है और पिन लगा के सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि अच्छे से स्टिचिंग हो पाए। और इस तरह से हम बीच में अगर पाइपिंग रख के करते हैं तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है और
बार बार स्टिचिंग का भी समस्या नहीं रहता है। तो इस तरह से करने से स्टिचिंग प्रॉपर आएगी और स्टिचिंग इधर उधर नहीं होती है। तो मैंने पिन अप करके इसलिए मैंने लगाया ताकि प्रॉपर तरीके से हो पाए। इस तरह से हम बीच में पाइपिंग दे देंगे और ये मैंने पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम फिर से इसको जो है वो डबल स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। इसके बाद हम देख सकते हैं ये मैंने डबल सिलाई लगा दी है। इसको अब कट करने के बाद अब हम इसके गले पर भी जो है वो सेम इसी तरह से ही पाइपिंग लगा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ लाइक करिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। आप देख सकते हैं हमारे गले की भी पाइपिंग लग चुकी है और इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करके एक पॉइंट छोड़ करके मैंने स्टिचिंग लगाया है। आप चाहें तो एकदम नज़दीक से भी लगा सकते हैं। और ये स्टिचिंग हो जाने के बाद इसी तरह से ही हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने रेडी कर लिया है ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दोनों रेडी हो चुका है। अब हम इसमें नीचे में जो है वो पट्टी लगाएंगे और साइड में हुक पट्टी। और पट्टी लगाने से पहले हम दोनों की लंबाई बराबर से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो हमारा रेडी लेंथ रहेगा वो देख लेंगे। ऊपर से हाफ इंच छोड़ करके ऊपर जो सिलाई लगेगी वहाँ से हाफ इंच छोड़ करके हमारा रेडी लेंथ 14 इंच था। तो मैंने यहाँ पर सीधी लकीर खींच दी है ताकि सिलाई जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके मैंने नीचे की पट्टी जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने लाइन ड्रॉ करके ही किया है ताकि हमारी जो सिलाई जो है वो प्रॉपर हो पाए। और इस तरह से एक बार नीचे से सिलाई होने के बाद पट्टी को सीधा करके इस तरह से स्टिच कर देंगे ताकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसको फिर से हम डबल फोल्ड करके एक और बार स्टिच कर लेंगे। तो कॉर्नर में पहले मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे और इसको फिनिशिंग टच दे देंगे। इसके भी ऊपर भी हम डबल सिलाई करेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो सिक्योर हो जाए। तो ये रेडी हो चुका है। दोनों पार्ट इसी तरह से ही पट्टी लगाकर रेडी कर लेना है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे, जहाँ हमारा हुक अटैच होगा वो वाला। देख सकते हैं ये भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से ही दोनों पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये फिनिश हो चुका है, हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना दोनों पार्ट। तो देख सकते हैं ये दोनों पार्ट रेडी हो चुका है और दोनों की लेंथ सेम है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। अब हम जो है इसको साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे, जब हमारा जो बैक पार्ट का है उसके साथ। अभी मैंने इसका स्लीव्स रेडी नहीं किया है इसलिए मैंने इसको अभी स्टिच नहीं किया है। बस आपको दिखाने के लिए मैं पिंस लगा करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा। मैं स्लीव्स बनाऊंगी, उसके बाद आपके साथ ये पूरा ब्लाउज का डिज़ाइन भी जो है वो पूरा शेयर करूंगी स्लीव्स के साथ भी। अगर आप देखना चाहते हैं स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं हमारा ब्लाउज रेडी है। आपको कैसा लगा फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज का डिज़ाइन, आप ज़रूर बताइएगा। और आप अगर कुछ नया देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आपके लिए वो लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।